सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल, माई सेल्फ सौरभ। तो देखो, बहुत सारे जन का ये चीज पे डाउट आता है, बहुत जन का ये चीज पे क्वेरी है, और बहुत जन डर भी रहा है, जिनका भी अभी रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है, और सेमिस्टर के स्टूडेंट्स का, फर्स्ट एंड थर्ड सेमिस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हो। तो तुम लोग सोच रहे हो कि भैया बैकलॉग जो है क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर में, कोई भी क्या प्लेसमेंट के टाइम कोई प्रॉब्लम होता है। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, अच्छे से सुनना, मैं जो भी बताऊंगा, मैं 2022 पास आउट हूँ, डिप्लोमा भी कर चुका हूँ, बीटेक भी कर चुका हूँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी मुझे मिला था, ऑफ कैंपस भी मिला था। उसके बाद बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी है, डिप्लोमा पकड़ो या फिर इंजीनियरिंग तुम पकड़ो, तो ये सब के एक्सपीरियंस के बाद मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि देखो, बैकलॉग जो है ना वो प्लेसमेंट के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिराती है। जनरली दो टाइप के बैकलॉग्स होता है, एक है तुम्हारा एक्टिव बैकलॉग्स, एक है तुम्हारा पास्ट बैकलॉग्स। अब 90% कंपनीज क्या होती है ना, 90% कंपनीज जो है वो एक्टिव बैकलॉग्स को अलाउ करती है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या होता है ना, 90% जो कंपनीज होता है वो लोग नहीं देखता है कि पास्ट में तुम्हारा बैकलॉग था कि नहीं, वो लोग बस ये कंसिडर करता है कि उस कंडीशन में, मतलब उस मोमेंट में क्या तुम्हारा कोई बैकलॉग है, जिसको कि एक्टिव बैकलॉग कहा जाता है। तो अगर उस टाइम है तो तब तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, अगर अदरवाइज अगर तुम्हारा पहले, मतलब मानो कि थर्ड सेम में तुम्हारा बैकलॉग है और तुम फिफ्थ को वो क्लियर कर दिए हो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट में तुम बैठते हो, तो देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे 90% कंपनीज ऐसे ही चलता है प्लेसमेंट ड्राइव जो है। अब 10% कंपनी, मतलब एक दो, 10 भी नहीं बोलूंगा, 5% कंपनीज ऐसे रहती है जो मेंशन करती है कि हाँ ऐसा, मतलब अगर पास्ट बैकलॉग भी था तब भी तुम जो है बैठ नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसा रहता है। बट वो बहुत गिना चुना कंपनी, बहुत टॉप लेवल का रहता है, तभी जाके वो ऐसा मेंशन करता है, ठीक। तो जनरली यही है बैकलॉग के लिए, और कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम बोल सकते हो कि क्या भैया आगे जाके और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्यों क्यों, मतलब रीजन क्या है, क्योंकि देखो तुम्हारा मार्कशीट में, मतलब फाइनल जो मार्कशीट मिलेगा ना तुमको, वहां पे कहीं नहीं लिखा रहेगा कि तुमको बैकलॉग मिला था। जनरली पता कैसे चलता है, पता है कि बैकलॉग लगा था तुम्हारे रिजल्ट के डेट से, मतलब मानो कि अभी तुम्हारा आज ये क्या है, अप्रैल है, अप्रैल को तुम्हारा रिजल्ट निकला, लेकिन जिन लोगों का बैकलॉग क्लियर होगा ना, उन लोगों का रिजल्ट का डेट दूसरा होगा, बट इंडिविजुअल रिजल्ट कहीं नहीं लगता है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्या डेट है या फिर इसको बैकलॉग लगा था कि नहीं, ठीक ना। तो मैं डिटेल में और भी बात करूंगा, और भी ये सब चीज लेकर कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि नहीं, या फिर कैसे जो इसका है इसको हैंडल कर सकते हो, तुम चाहो तो कैसे जो इसको मैनेज कर सकते हो, तो वो रिगार्डिंग बात करूंगा बहुत जल्दी। ये चैनल में बहुत सारे वीडियोज आएगा वो रिगार्डिंग। अगर तुम वर्कआउट के स्टूडेंट हो तो मेरा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कंटेंट जो है वो आते रहेगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू।